गत दिनों रोहतक के खोखरा कोट में नशा कारोबारियों के घरों पर हुई कार्यवाही के चलते सैसी समाज ने आज मनाई काली दिवाली। जी हां, आपको बता दें, आज सारा समाज इकट्ठा होकर दिवाली ना मनाने का फैसला किया तथा वहां पे पूरे गांव में जो है मातम मसला रहा। आपको बता दें, लोगों का भाजपा सरकार पर गुस्सा फूटा, साथ ही लोगों ने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार झूठे आरोप लगा करके नशा कारोबारी बता करके उनके घर तोड़कर उन्हें बेघर कर रही है। भाई, मैं मास्टर धीर सिंह प्रेसिडेंट हूँ सांसी समाज समिति का, और यहाँ खोखरा कोट के अंदर हमारे सांसी समाज में हरियाणा सरकार द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा एक पूरी मिली भगत और एक पूरे षड्यंत्र के माध्यम से एक आरोप लगाया गया नशावर्ती का, और नशावर्ती के माध्यम को चुनके पूरी बस्ती को उजाड़ने की मुहिम हरियाणा सरकार के शासन प्रशासन ने आज हमारे साथ में ठान ली। 5 मकान कुल मिला के न तोड़ दिए, 2-3 मकान का तोड़ते समय नुकसान पहुंचा दिया। भाई, ये बहुत सरासर निंदनीय काम है, हमारे ऊपर अत्याचार इन्होंने किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज सारे देश के अंदर जगह जगह खुशी मनाई जा रही है, और जगह जगह इसके साथ साथ काली दिवाली भी मनाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक बहुत निंदनीय कार्यक्रम चलाया है, लोगों को बेघर करने का, जगह जगह मकान तोड़कर उनको ध्वस्त करना और उनके बच्चों को बाहर बिठाना, ये अच्छा नहीं है। न्यू का आग्रह सियाने मानस, अकबर जब गद्दड़ की मौत आवत हो गांव का अनबाजी आग्रह। मेरे हिसाब से तो आज बीजेपी सरकार का वो दिन बनने वाला है, अब ये गद्दड़ बनेंगे और जैसे भी ये पब्लिक के सामने आओगे, इनकी मौत या इनकी हार निश्चित है इस तरीके से, क्योंकि आज इन्होंने तो ढंग अपनाया है। अगर ये देश में ऐसा ही हलचल मचाते रहे तो बीजेपी सरकार का अंत दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। भाई, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, इन लोगों ने यानी बीजेपी सरकार के लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है इस देश में वो बिल्कुल घोर निंदनीय है, और सांसी समाज के ऊपर हरियाणा के अंदर खासकर टारगेट बना करके नशावर्ती का आरोप लगा करके इन लोगों को जगह जगह बेघर करते आ रहे हैं। आज हमारी काली दिवाली मनी हुई है रोहतक, यहाँ खोखरा कोट रैनपुरा के अंदर। मैं इनके अपने भाइयों के दुख दर्द की सुनने के लिए, इनको धीर धूप देने के लिए और मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद।